मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने एनेक्सी भवन सभागार में जनपद के एमवाईसी सीएमओ अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं अन्य अधिकारियों के साथ जनपद में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा की तथा कहा कि कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए हम सभी लोगों को और अधिक मेहनत करनी होगी। जांच की संख्या को और बढ़ाते हुए प्रतिदिन 5,000 किए जाएं। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी एमवाईसी अपने अपने पीएचसी सीएचसी पर तैनात लैब टेक्नीशियन के द्वारा प्रतिदिन कोरोना की जांच के कार्यों की निगरानी करते हुए अधिक से अधिक जांच सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए रैपिड रिस्पांस टीम अनिवार्य रूप से उनके घरों को जाए तथा संक्रमित मरीजों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और बेहतर करते हुए कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को शून्य करना है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट एवं सरकारी चिकित्सालयों को मिलकर कोरोना की इस लड़ाई में मरीजों के जीवन की रक्षा करते हुए संक्रमण की चेन को तोड़ना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा कि प्रतिदिन 840 निगरानी समितियां एक्टिव हैं। 45 स्थानों पर कोरोना संक्रमण की जांच के लिए स्टैटिक जाँच सेंटर बनाया गया है। 5 मोबाइल टीमें हैं तथा 5 मोबाइल टीमें और बढ़ाई जा रही हैं। मरीजों का डिजिटल एक्सरे तथा खून आदि की जांच भी किया जा रहा है जिससे मरीजों के स्वास्थ्य लाभ दिलाया जा सके। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं WHO के प्रतिनिधियों द्वारा अभी तक के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, AD हेल्थ डॉक्टर JM त्रिपाठी, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित संबंधित अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा क्या चल रही है, आपके आपने क्या कार्य किया है, कहाँ लैकनेस है, कहाँ हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है और उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, आपके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम चाहे वो मेंटल की हो, व्हीकल की हो या जो भी हो। मैं 30 या 10 में जो डायरेक्टली जाते हैं उसी में ये मैं डॉक्टर गोश्याम से रिक्वेस्ट करूँगा मासिक के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि एक जो बढ़ोतरी हुआ है जुलाई में और अगस्त में काफी बढ़ोतरी हुआ है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ये ग्राफ है कि डेली आपको केस दिखाना है कि डेली कैसे है। आप लोग टीवी पे देखते होंगे, सुनते होंगे एपिडेमिक कर्व, मतलब कब हम लोग पीक पहुंचेंगे। अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे सारे पीक के ऊपर, अभी हम लोग अपने पीक में है, मतलब 4 महीने से लड़ते लड़ते अभी हम लोग अपने पीक पे है और यही सितंबर सेकंड और थर्ड वीक रेस्पेक्टेड इन हिसाब से चलता रहा 19 सेंटीमीटर के साथ कि ये एक्सपेक्टेड है कि सितंबर सेकंड से थर्ड वीक को हम लोग ऑलमोस्ट पीक पे होंगे, उसके बाद डाउनफॉल होगा। अगर हम लोग इस साल इसी सीन में इसी हिसाब से ये करेंगे, लेकिन सर इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि हमेशा 100 में से 85% आपके 85-90 आसिम्प्टोमेटिक आ रहा है। 10% ऐसे हैं जिनको आप लोग देखिएगा कि ऑक्सीजन सप्लाई का जरूरत हो रहा है तो आप ये डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, 1.5% भी हो रहा है। तो अगर परसेंट के हिसाब से देखिए 1.5% अगर हम लोग इन्वेस्ट इनको बढ़ाने देंगे एक समय में जैसे 3,000 या 10,000 इंजेक्शन हो जाएंगे, 10,000 में 10% होता है 1,000, 1,000 पेड़ आपको ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। तो यहीं पर हम लोगों को इंफेक्शन को रोकना पड़ेगा कि एक साथ कभी 10,000 केस उसी तरह एक एग्जाम्पल लेना भी जमा ना हो, वरना डेढ़ घंटे में सब पड़ जाएंगे। 4 घंटा के अंदर हम लोग को किसी भी काटा करना है, स्टेट इसी का ही काटा उठाता है। इसमें 4 घंटा के अंदर हम लोग को किसी भी काटा करना है, जिसका आप दिखा रहे हैं कि 319 केस का किसी भी काटा नहीं हुआ है से रिलेटेड। तो ये देखिए ज़्यादा 1.5 जो कल आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, टारगेट है कि इसका 1 से नीचे देना है। कोई इशू नहीं है,
लोगों को चैलेंज तो है, विकास जनपद बढ़ा है, उस हिसाब से टीम भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, साधन संसाधन कम है, गवर्नमेंट ने कुछ बजट हमको गलत किया है, उसी का हम लोग काफी इंक्रीज करा रहे हैं कि हम लोग का स्पैन ऑफ टेस्टिंग अभी फिलहाल 92,000 जाँच हुई है, करीब 7 लाख जनसंख्या मान के जा रहे हैं, कम से कम हम तो 5 लाख जनसंख्या का तब तक जाँच नहीं करेंगे कोई प्रॉपर फिगर सामने नहीं आएगा। तो हम लोग सर 150 कराए हमारा टारगेट 5 लाख करना सर, उसी हिसाब से 5,000 के हिसाब से रोज करेंगे, अगले 2 महीने में कंसरेबल सैंपल हमारा हो जाएगा और कंसरेबल जो अफेक्टेड लॉट से वो अलग हो जाएंगे, उसके बाद आराम से हम पर सर वो जो आप हमेशा कहते हैं पॉजिटिव वो जो ये गिरावट है उसी के हिसाब से हम चले जाएंगे। कई सारे पॉइंट कवर से हम पॉइंट्स को करना चाहूँगा, क्योंकि आज मुश्किल आता है, अभी तक सिर्फ अगस्त माह की यदि बात करें तो करीब 6,000 केसेस पॉजिटिव आए हैं और अभी हमारे टीम ने बात की, यदि 1 महीने में हमारे 6,000+ पॉजिटिव केस आए हैं तो ये बताता है कि संक्रमण है और हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि 6,000 केसेस आए हैं तो अच्छी बात ये है कि मुझे लगता है जुलाई महीने में लगभग इससे डेटा मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे याद है कि जुलाई में लगभग हमने 25,000 टेस्ट किए थे और 26,000 में डबल हो गया। तो देखिए जुलाई में हमने 26,000 किए थे और अगस्त में हमने 53 किए और जैसे कि जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि हम 6,60,000 की जनसंख्या है, ये 53 को सीओ साहब आपकी टीम को 53 को जस्ट डबल करना है। देखिए जो हमारी प्रथम मीटिंग आज थी ये कोविड संक्रमण के लिए है, आज 2500 से ज़्यादा केसेस एक्टिव हैं इस समय गोरखपुर जनपद में, 60 लाख की लगभग पॉपुलेशन है हमारी, अब इस संक्रमण को हमें और नियंत्रित करते हुए डेथ रेट को कम करना है, ये हमारा एक 1 पॉइंट एजेंडा इस जनपद में इस वक्त है और यही प्रयास है कि BRD मेडिकल कॉलेज से लेके हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में L2 चल रहे हैं, जो हम लोग L2 चला रहे हैं, जो हमारी L1 फैसिलिटी है और जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं फील्ड में, इन सब के साथ बैठ के एक हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि हमारे संक्रमण पर रोक लगे और मृत्यु दर हमारी कम हो। और इसीलिए आज हमने ग्रामीण अंचल के जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको और प्राइवेट चिकित्सकों को इनको बुलाया हुआ था जिससे कि हम इनसे बात कर सकें, इनकी समस्या सुन सकें और इनके साथ अपना डेटा शेयर कर सकें और इनको बता सकें कि किन चीज़ों पर फोकस करना है। आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 2-3 एजेंडा जो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है, एक तो डोर टू डोर सर्वे है, उस पर हम लोगों ने बल देने का प्रयास किया और उसको रिव्यू किया कि कहाँ पर वो कमज़ोर चल रहा है यदि हो रहा है वहाँ। दूसरा टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा ले जानी है और अब हमने अपना लक्ष्य जो है शासन के द्वारा दिए गए लक्ष्य से आगे बढ़ाते हुए 5,000 टेस्ट पर डे का करने का प्रयास करेंगे हम और अभी हम लगभग 2700-2800 टेस्ट कर रहे हैं पर डे और इसको हम बढ़ाएंगे और शासन ने हमें दोनों लैबें दे दी हैं मंडल के लिए तो इस समय हमारी क्षमता टेस्ट करने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। PSC CSV पर हम एंटीजन और RT-PCR दोनों के सैंपल ले रहे हैं, राउंड द क्लॉक वहाँ पर डॉक्टर रहेगा, वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर और बेसिक पैरामीटर्स लेने के लिए व्यवस्था की गई है क्योंकि PSC CSV में हम कोविड पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर जैसे ही हम डायग्नोस करेंगे और वहाँ पर RRT जो है हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम है वो विजिट करके देखेगी पेशेंट का स्तर संक्रमण जो हुआ है उसका लेवल क्या है, यदि वो होम आइसोलेशन में रह सकता है तो वो होम आइसोलेशन में रहेगा, यदि उसको रिफ़र करने की आवश्यकता है तो उसको रिफ़र करेगा। तो PSC CSV लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 महीने में जल्दी डायग्नोस करना और डायग्नोस करके उसको उसकी लेवल ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से रिफ़र करना, ये दोनों कार्य जो है ये PSC लेवल पर हमें करने हैं और उसी में तीव्रता लाना और उसी को प्रभावी करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। लेवल टू के बेड हमारे इस समय जो TB हॉस्पिटल और रेलवे हॉस्पिटल में सरकारी रूप से चल रहा है, बाकी आपके जो होप पेनिशिया है, आपका फातिमा है, RN हॉस्पिटल है, उसमें प्राइवेट चल रहे हैं और अब हम BRD में जो हमारी 200 बेड की फैसिलिटी है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में उसको हम 200 से 500 बेड करने जा रहे हैं और अति शीघ्र उसको हम करने का प्रयास करें। किट भी दिया जा रहा है स्वास्थ्य के लिए, किट बनाया गया है जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनको एक मेडिसिन का किट देने की आवश्यकता है और वो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग दे रहा है जिसमें कि जो भी मेडिसिन बताई गई हैं उनको दिया जा रहा है। धन्यवाद।